आज का मौजूद जो है वो करंट या बे रिले के बारे में है। पहले मैं बता चुका हूँ कि रिले की चार किस्म हैं, करंट रिले, पीटीसी रिले, हॉट वायर रिले और वोल्टेज या पोटेंशियल रिले। ये जो सबसे पहली रिले है करंट या बे रिले जो है, इसका इस्तेमाल रेफ्रिजरेटर, डी फ्रीजर, छोटे इलेक्ट्रिक वाटर कूलर में बहुत ज़्यादा है और बहुत मकबूल है। पूरी दुनिया की रेफ्रिजरेटर ने इसको इस्तेमाल किया है। इसके अलावा पीटीसी रिले वो भी इस्तेमाल हो रही है, लेकिन आज हमारा मौजू ये है। मैंने कंप्रेसर भी बड़ा होता है, रिले बहुत छोटी होती है, कंप्रेसर का साइज बड़ा होता है, लेकिन समझाना क्योंकि मौजू आज हमारा आज ये है आज का, इसलिए मैंने रिले का जिसम बड़ा बनाया है और कंप्रेसर के सिर्फ वाइंडिंग शो की है, CM कंप्रेसर मोटर, क्योंकि इसका तलक कंप्रेसर मोटर के साथ है। ये इलेक्ट्रिकल जो वायरिंग है उसका हिस्सा है। तो इसमें जो रिले है ये क्या काम करती है, इसको ज़हन में रखना है। कंप्रेसर को चलाने के लिए इसके अंदर जो है दो वाइंडिंग हैं, एक रनिंग वाइंडिंग, स्टार्टिंग वाइंडिंग, ये स्टेटर के अंदर होती हैं, रोटर इसके अंदर होता है, रोटर घूमता है, रोटर का तलक क्रैंक शाफ्ट के साथ होता है, क्रैंक शाफ्ट का तलक कनेक्टिंग रॉड पिस्टन के साथ होता है, पंप के साथ होता है। जब मोटर चलती है तो पंप चलता है, पंप चलता है तो सक्शन डिस्चार्ज का अमल होता है। तो कंप्रेसर को चलाने के लिए, उसको मूव करने के लिए क्या तरीका कार ये है कि एक वाइंडिंग ये है, एक वाइंडिंग ये है, एक मोटे तार की वाइंडिंग है, एक बारीक तार की वाइंडिंग है, मोटे तार की वाइंडिंग रनिंग वाइंडिंग है या मेन वाइंडिंग है, और स्टार्टिंग वाइंडिंग दूसरी बारीक तार की होती है। तो स्टार्टिंग के वक्त जो है दोनों वाइंडिंग के अंदर करंट आ जाता है, दोनों वाइंडिंग मिलकर रोटर को घुमाती हैं। अगर हम ऐसा नहीं करते, एक ही वाइंडिंग रखते हैं, हमें रनिंग वाइंडिंग बहुत बड़ी बनानी पड़ती है, बहुत बड़ी मोटर बनानी पड़ेगी और करंट भी ज़्यादा लेगी। इसलिए पूरी दुनिया में यही मोटर चलती है जो स्प्लिट फेस इंडक्शन मोटर होती है। हर वो मोटर जिस जिसमें दो वाइंडिंग होती हैं उसको स्प्लिट फेस इंडक्शन मोटर कहेंगे, एक रनिंग वाइंडिंग होगी, एक स्टार्टिंग वाइंडिंग। इसका बहुत फायदा ये है कि सिर्फ स्टार्टिंग के वक्त जो है ना, एक सेकेंड के लिए इसमें ज्यादा करंट लेनी है, जैसे मोटर स्टार्ट ले लेगी उसके बाद जो है सिर्फ रनिंग वाइंडिंग जो है वो सेकंड रहती है और स्टार्टिंग वाइंडिंग सर्कल से ज्यादा कर दी जाती है। ये काम बगैर रिले के भी कर सकते हैं। इसको चलाना हो, हमने दोनों वाइंडिंग को करंट देंगे, जैसे ही मोटर स्टार्ट ले लेगी हम स्टार्टिंग वाइंडिंग को सर्कल से ज्यादा निकाल देंगे। हमें कैसा पता लगेगा, जब स्टार्ट लेगी तो उस वक्त कंपेयर बहुत ज्यादा हो जाएंगे और आवाज आनी शुरू हो जाएगी, बकायदा के पता लगे चल पड़ी मोटर, बस साथ स्टार्टिंग वाइंडिंग जब उससे तार ज्यादा कर लेंगे, रनिंग वाइंडिंग को चलने देंगे तो रनिंग वाइंडिंग के जो अपने एम्पेयर होते हैं उतने उन एम्पेयर पर चलेगी। फर्ज कर रनिंग वाइंडिंग के 1.5 एम्पेयर हैं तो 1.5 एम्पेयर वो लेना शुरू कर देगी, अगर 1.25 एम्पेयर तो 1.25 एम्पेयर लेना शुरू कर देगा, अगर 1 एम्पेयर तो 1 एम्पेयर लेना शुरू कर देगी। तो अगर 110 वोल्ट की मोटर होगी तो एम्पेयर ज्यादा होते हैं, 220 वोल्ट की मोटर के एम्पेयर कम होते हैं। अब यहाँ पर जो है स्टार्टिंग के वक्त जो है वो रनिंग और स्टार्टिंग दोनों वाइंडिंग में करंट गुजारा जाता है और हम इसको ब्रेक स्टार्ट दे सकते हैं। वो काम जो हमने करना है वो हम ये पुर्जा करेगा। हाउ इट वर्क्स ये आपने समझना है। इसकी पहले जो कंस्ट्रक्शन है वो देखिए, ये इसका जिस्म है, जिस्म के अंदर की तरफ जो है एक सिलेंडर है, गोल शक्ल का सिलेंडर है, छोटा सा सिलेंडर जो बैक्यूलाइट का बना होता है, प्लास्टिक की किस्म है, यह बैक्यूलाइट जो उसका बना होता है, उसके अंदर की तरफ एक लोहे का टुकड़ा होगा गोल शक्ल में, जिससे हम प्लंजर कहेंगे। जैसे गोल शक्ल सिलेंडर की होगी वैसे गोल शक्ल इसकी होगी, लेकिन ये बिल्कुल फ्री होगा, इसके अंदर पिस्टन की तरह टाइट नहीं होगा, बिल्कुल फ्री होगा, ऊपर नीचे आसानी से हो सकता है। इसके ऊपर एक स्प्रिंग लगाया जाता है, ये जो मैंने बैंड दिया हो ब्लैक कलर का स्प्रिंग है, स्प्रिंग के ऊपर जो है एक पतली है इलेक्ट्रिक स्ट्रिप है जिसके ऊपर दो पॉइंट बने हुए हैं,
जिसके ऊपर दो पॉइंट जो है वो मौजूद हैं, रेड कलर के मैंने पॉइंट शो किए हुए हैं, ये रेड कलर के जो दो पॉइंट जो है इसके ऊपर मौजूद हैं। अब यहाँ पर जो है यानी ये एक पथरी है इस तरीके से, उसके ऊपर दो पॉइंट बने हुए हैं, वो पॉइंट जो हैं वो कॉपर के होते हैं, उसके ऊपर चांदी लगाई जाती है ताकि जो पॉइंट जुड़ने के बाद अलादा होते हैं, जुड़ते हैं अलादा होते हैं, और उसमें स्पार्किंग का अमल जो है वो कम होगा चांदी की वजह से, काफी अर्से तक ले जा सही रहती है। तो ये इस तरीके से ये पॉइंट इनके ऊपर बने हुए पथरी के ऊपर। पथरी जो है प्लंजर पथरी और स्प्रिंग वो एक ही रॉड जो है उसके अंदर पूरे हुए हैं, ये देखें एक ही रॉड के अंदर पूरे हुए। अब जो है इस तरीके से ये जो जैसे तस्बीह के दाने पूरे होते हैं इसी दी कुछ तीनों जो है एक रॉड के अंदर पूरे हो। अब यानी सिलेंडर जो है उसके अंदर की तरफ प्लंजर है, प्लंजर के ऊपर स्प्रिंग है, स्प्रिंग के ऊपर इलेक्ट्रिकल स्ट्रिप है जिसके ऊपर भी दो पॉइंट बने हुए हैं, इलेक्ट्रिकल पॉइंट बने हुए, और अतराफ की तरफ दो पॉइंट फिक्स हैं इस तरीके से फिक्स हैं, उनके नीचे भी पॉइंट बने हुए हैं। एक पत्री जरा इस किस्म की है जो ये मैंने शो की है, ये स्टार्टिंग की पत्री है, ये रनिंग की पत्री है। कौन सी पत्री है? स्टार्टिंग की और रनिंग की। और इसका जहां से तार शुरू होती है, तार शुरू होगी वो इसका जो है वो एल पॉइंट बनाएंगे। एल लिखा नहीं होता, एल लिखा नहीं होगा, किसी पर लिखा भी हो सकता है लेकिन आमतौर पर लिखा नहीं होता। जहां से वाइंडिंग शुरू होती है और पत्री का तलक होता है और जहां खत्म होती है, तो जहां से शुरू होगी वो एल पॉइंट होगा, जहां खत्म होगी वो एम पॉइंट होगा। वहां आर नहीं लिखा होता, वहां पर लिखा होगा एम। रनिंग वाइंडिंग भी वही है, मेन वाइंडिंग भी वही है। जहां से कॉइल शुरू होगा वो एल पॉइंट है, जहां पर खत्म होगा एम पॉइंट है, और एम पॉइंट का तलक जो है हम रनिंग पॉइंट के साथ करेंगे। इस तरीके से तीन पॉइंट निकले होते हैं रूटीन में, ऊपर कॉमन है, बाएं तरफ स्टार्टिंग है, दाएं तरफ रनिंग है। इस तरीके से उल्टे कनेक्शन भी होते हैं डेन फास्ट के, लेकिन आम जो है वो इस तरीके से हैं, कुछ के ऐसे हैं, इसके अलावा भी इख्तलाफ हो सकता है लेकिन ज्यादातर इस तरीके से हैं या ऐसे हैं। अब जो है अब हम सिंपल ऐसे समझते हैं कनेक्शन, इनमें मेन का तलक जो है वो रनिंग के साथ होगा, एस का तलक एस के साथ हो जाएगा, स्टार्टिंग का तलक स्टार्टिंग के साथ, रनिंग का तलक रनिंग के साथ हो जाएगा। ये इसकी कनेक्शन होंगे, इलेक्ट्रिकल वायरिंग है इसकी। अब ये देखना है कि ये कैसे काम करती है। ये जो कॉइल है इसका, ये वाला कॉइल, ये बहुत ज्यादा चक्कर नहीं होते, कम चक्कर होंगे, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100, 100, 500, 10, इतने चक्कर होते हैं। मोटी तार के होंगे, एनामल्ड वायर होगी, वही तार होती है जो वाइंडिंग के लिए इस्तेमाल की जाती है मोटो में, एनामल्ड वायर। एनामल्ड वायर जो है जब इसमें से करंट गुजारेंगे तो ये एनामल्ड वायर रनिंग वाइंडिंग के रास्ते में है, सीरीज के अंदर, तो ये रनिंग वाइंडिंग के मुताबिक लगाई जाती है। तो कंप्रेसर के मुख्तलिफ साइज होते हैं, एक कंप्रेसर का साइज जो है वो 1/10 हॉर्स पावर है, तो रिले भी 1/10 हॉर्स पावर की होगी। 1/8 हॉर्स पावर है तो रिले भी 1/8 हॉर्स पावर की होगी। अगर 1/6 हॉर्स पावर का कंप्रेसर है तो रिले भी 1/6 की होगी। 1/5 हॉर्स पावर का कंप्रेसर है तो रिले भी 1/5 हॉर्स पावर की होगी। अगर 1/4 हॉर्स पावर का है तो रिले भी 1/4 हॉर्स पावर की है।
अगर एक बड़ा 3 हॉर्स पावर है तो रिले भी एक बड़ा 3 हॉर्स पावर है, अगर एक बड़ा 2 हॉर्स पावर है तो रिले भी एक बड़ा 2 हॉर्स पावर है। और रिले जो है उनके मुताबिक ही डिजाइन की जाती है। ये नहीं होगा कि एक बड़ा 3 हॉर्स पावर की रिले जो है वो हम एक बड़ा 5 के साथ लगा दें, एक बड़ा 5 एक बड़ा 3 के साथ लगा दें, ऐसा नहीं है। करंट रिले की शर्त ये है कि जितने हॉर्स पावर के कैपेसिटी मोटर होगी उतनी उसी हॉर्स पावर के मुताबिक रिले लगाई जाती है, ये इसकी शर्त है, अदरवाइज प्रॉब्लम होगी। उसमें काम कैसे करेगी, जब हम इसको 220 वोल्ट सप्लाई करेंगे, फेस और न्यूट्रल सप्लाई करेंगे, तो इसके अंदर मकना इसके ये जो है रनिंग वाइंडिंग करंट गुजरेगी, ये उसके रास्ते में है, तो इसके क्योंकि रास्ते में है इसलिए इसके अंदर जो है भी करंट गुजरेगी और इसमें मकनातीसी कुवत पैदा होगी, और ये मकनातीसी कुवत 1 सेकंड से पहले पहले पैदा होगी, बहुत जल्द पैदा होगी, उसी वक्त पैदा होगी। जैसे मकनातीसी कुवत पैदा होगी, प्लंजर लोहे का जो है उसको ये ऊपर खींचेगी, प्लंजर जो है उस मकनातीसी कुवत के ऊपर की तरफ जाएगा, प्लंजर ने स्प्रिंग को ऊपर जोर डालना है, स्प्रिंग का असूल है कि जब आप दबाएंगे तो एक्सपैंड होता है। अब जो ये दबाव डालेगा तो ये पथरी जो है ना फौरी तौर पर जाकर दोनों पॉइंट से टच करेगी, क्योंकि ये तो रनिंग पॉइंट है, तो रनिंग से करंट गुजरने के बाद स्टार्टिंग में चली जाएगी, तो दोनों वाइंडिंग जो है वो मिलकर जो है रोटर को घुमा देंगी। जैसे रोटर घूम जाएगा, किताबें कहती हैं जब स्टार 50-75% हो जाएगी मोटर की, उसके बाद यहाँ पर मकनातीसी कुवत कम हो जाएगी, प्लंजर नीचे आ जाएगा, स्प्रिंग नीचे आ जाएगा, इलेक्ट्रिकल स्ट्रिप नीचे की तरफ आ जाएगी, इलेक्ट्रिकल स्ट्रिप नीचे की तरफ आ जाएगी। अब ये लफ्ज मैंने फिक्र समाज की किताबें कहती हैं, इसकी इसका मैं वजाहत करूंगा, ठीक है, अमली तौर पर क्या फर्क आप महसूस करेंगे। तो जैसे ही प्लंजर ऊपर जाएगा, स्प्रिंग ऊपर जाएगा, स्ट्रिप ऊपर जाएगी, तो रनिंग के अलावा स्टार्टिंग वाइंडिंग में करंट गुजरेगी। जैसे मोटर स्टार्ट ले लेगी तो यहाँ स्टार्ट ले लेगी, तो इसमें मकनातीसी कुवत कम हो जाएगी, प्लंजर फिर वापस नीचे आएगा, स्प्रिंग नीचे आएगा, स्ट्रिप को नीचे की तरफ आज स्ट्रिप भी साथ नीचे की तरफ आ जाएगी और सिर्फ रनिंग वाइंडिंग में करंट गुजरेगा। दोबारा समझ लें, जैसे ही हम वोल्टेज को सप्लाई देंगे, इस कॉइल में मकनातीसी कुवत पैदा होगी, वो मकनातीसी कुवत जो है वो प्लंजर को ऊपर तक लेके जाएगी, स्प्रिंग को लेके जाएगी, पथरी को ऊपर लेके जाएगी, दोनों पॉइंट जुड़ेंगे, तो रनिंग के अलावा स्टार्टिंग वाइंडिंग में करंट गुजरेगा। जैसे ही मोटर स्टार्ट ले लेगी, उसके बाद जो है प्लंजर जो है यहाँ पर मकनातीसी कुवत कम हो जाएगी और जो है प्लंजर नीचे आएगा, स्प्रिंग भी रिएक्शन करेगा, पहले रिड्यूस हुआ एक्सपेंड होगा, फिर नीचे आएगा, पथरी भी नीचे आ जाएगी, और इस तरीके से सिर्फ वायर के जरिए रनिंग वाइंडिंग में करंट चलती रहेगी, स्टार्टिंग में खत्म हो जाएगी। इस तरीके से एक कंप्रेसर की मोटर को स्टार्ट दे देती, चला देती है। तो इसके अंदर जो है एक बार याद रखिएगा, एक तो मैंने आपको बता दिया टैली करनी चाहिए कंप्रेसर की मोटर और इसकी इसका जो कॉइल जो है ये टैली करना चाहिए, यानी एक बड़ा 4 हॉर्स पावर की कंप्रेसर है तो रिले भी एक बड़ा 4 हॉर्स पावर की होनी चाहिए। अब जो छोटे कंप्रेसर हैं, यानी 1/10 है या उससे छोटे कंप्रेसर हैं, उनमें इसका रिले का इस्तेमाल तकरीबन नहीं है, उसमें पीटीसी रिले का इस्तेमाल कर लेते हैं। जो बहुत छोटे कंप्रेसर हैं, छोटे छोटे फ्रिजों में 3 मुकाफुट है, 2.5 मुकाफुट है, 2 मुकाफुट है, 1.5 मुकाफुट है, 1.25 मुकाफुट है, इस किस्म की छोटी छोटी रेफ्रिजरेटर जो है, जो रूम रेफ्रिजरेटर जिन्हें कह सकते हैं, उनमें पीटीसी रिले का इस्तेमाल ज्यादा है। बाकी 1/8 हॉर्स पावर से लेकर 1/2 हॉर्स पावर तक इस रिले का इस्तेमाल हो रहा है। अब इसके अंदर जो है आपने गौर करना है कि इसके फॉल्ट क्या है। बाद दफा कंप्रेसर स्टार्ट नहीं लेता, और मैंने देखा है कि बहुत सारे हमारे टेक्नीशियन भाई दुनिया में कई ममालिक के अंदर ऐसा कर रहे हैं,
फॉल्ट रिले के अंदर है, कंप्रेसर नहीं चल रहा, उठा के पूरा कंप्रेसर साइड पर कर, नया कंप्रेसर लगा दिया, नया कंप्रेसर लगा दिया। अब जो कस्टमर है उसको बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। एक रिले जो है अगर हम पाकिस्तान की बात करते हैं 150 रुपए की आ जाती है, बहुत महंगी भी 200 रुपए से ऊपर रिले नहीं है, कंप्रेसर 10,000 से कम नहीं है, 10,000 रुपये पड़ेगा। फिर उसको रेफ्रिजरेटर या वर्कशॉप में जानी पड़ेगी, वापस ले कराने कैरेज वो ही पड़ जाएगा उसको। फिर उसका असल कंप्रेसर निकाल के बाहर निकालना, दूसरा कंप्रेसर लगाना है, गैस दोबारा चार्ज करनी है, ड्रायर नहीं लगाना है। उस बंदे को कुछ भी नहीं तो 14,000 रुपया जो है ना उसका खर्चा बन जाए। अगर अकेली रिले खराब है, 200 रुपये की रिले है तो 400 टेक्नीशियन मिले, फिर 600 रुपया घर बैठे बैठे काम। एक अनाड़ी बंदे की वजह से काम खराब हो गया, उसने कहा ये तो जानी पड़ेगी वर्कशॉप। ये चीज जो है ना गलत है, इसलिए इसको समझना बहुत जरूरी है। इसके क्या मसला हो सकता है, अगर फर्ज करें आप रिले के जरिए इसको स्टार्ट देते हैं, नहीं स्टार्ट दे रहा, ठीक है ना, तो सबसे पहले आप वोल्टेज चेक करेंगे, वोल्टेज कितने हैं। अगर वोल्टेज 160 आ रहे हैं, जाहिर बात है यहाँ मकनातीसी को वो सही तरह पैदा नहीं होगी, प्लंजर सही तरह से तेजी से ऊपर नहीं जाएगा, सही तरीके से टच नहीं होगा, मजबूती से टच नहीं होगा, जिससे क्या होगा, अकेले रनिंग वाइंडिंग में करंट बहेगी, और अकेली रनिंग वाइंडिंग अगर इस काबिल होती है स्टार्टिंग वाइंडिंग क्यों बनानी थी। अकेली रनिंग वाइंडिंग जब जोर लगाती है, अंपेयर बढ़ जाते हैं, एक पुर्जा होता है जिसे हम ओवरलोड प्रोटेक्टर कहते हैं, थोड़ा सा उसका भी इशारा दे देता हूँ यहाँ पर आपको समझाने की खातर। ये फर्ज करें ओवरऑल प्रोटेक्टर, इसका अलग लेक्चर होगा। ओवरलोड जो है ये एक ऐसा पुर्जा होता है जब करंट कहीं बढ़ जाए, आप फर्ज करें एक रेफ्रिजरेटर ने 1.2 एम्पीयर लेने हैं, तो 1.6 एम्पीयर लेना शुरू कर दे तो वो गर्म होकर जो है ना ओवरलोड उसको बंद करा सकती है। अगर वो 2-2.5-3 एम्पीयर ले तो जल्दी बंद करा दे, जो उससे ज्यादा एम्पीयर ले जल्दी बंद करा दे। अगर अगर जो है वोल्टेज कम आ रहे हैं, देखिए कंप्रेसर भी ठीक है, रिले भी 100% सही है, फॉल्ट क्या है वोल्टेज का। अगर इस बार इस फॉल्ट के ऊपर भी हम कंप्रेसर चेंज कर देते हैं या ले चेंज कर देते हैं या दोनों को चेंज कर देते हैं, तो उससे क्या होगा, फिर भी फॉल्ट वहीं का वहीं है। आप वोल्टेज खराब है, वोल्टेज कम है, उनको दुरुस्त करना है। उसके लिए आपने उस जो एजेंसी है इलेक्ट्रिकल की, उनसे रब्ता कम कर करें, कस्टमर करें वोल्टेज पूरे करके दें। अगर वोल्टेज पूरे नहीं होते तो वोल्टेज रेगुलेटर जो है वोल्टेज स्टेबलाइजर का इस्तेमाल किया जाए, अगर वोल्टेज पूरे हो जाए। नंबर 1, नंबर 2, अगर वोल्टेज जो है इंस्टेड ऑफ 220-280 आ रहे हैं, 280 वोल्टेज आ रहे हैं, या स्टेबलाइजर खराब हो गया, वो 280 वोल्ट में कर रहा है, तो तब भी काम खराब है। अब क्या होगा, यहाँ इतनी ज्यादा मकनातीसी को पैदा होगी कि कंप्रेसर जो है चल भी पड़ेगा तब भी इतनी मकनातीसी को ज्यादा है, कपड़े ऊपर रहेगा, स्प्रिंग ऊपर रहेगा, पथरी ऊपर रहेगी, पानी जुड़े रहेंगे, और रनिंग और स्टार्टिंग दोनों वाइंड में करंट लगातार बहता रहेगा, दोनों वाइंडिंग को करंट मिलकर मिल, मिल दोनों करंट मिल जाएगी और करंट ज्यादा होकर चलती रहेगी, और थोड़ी देर बाद जो है ना ओवरलोड उसको बंद करा देगी। अगर ये अमल बार बार होता रहेगा, उससे दोनों वाइंडिंग मुतासर होंगी, कंप्रेसर की मोटर खराब हो सकती है। ऐसी हालत में भी इलेक्ट्रिकल एजेंसी जो है, इलेक्ट्रिकल जो डिपार्टमेंट है, उससे रब्ता किया जाएगा कि वोल्टेज ज्यादा इसको कम करें। तो बहुत पहले आपको बता चुका था कि वोल्टेज बढ़ने की बाबडा वालों की तरफ से या किसी और महकमे की तरफ से उस वक्त वोल्टेज बढ़ जाते हैं जिस वक्त ट्रांसफार्मर के साथ अर्थ वाली तार जो है, जो न्यूट्रल न्यूट्रल सा होती है, वो जमीन में दी होती है, वो टूट जाए तब भी वोल्ट बढ़ जाते हैं, ठीक है, या स्टेबलाइजर से ज्यादा वोल्टेज निकाल रहे हैं या महकमे से ज्यादा वोल्टेज आ रहे हैं। इन बोथ कंडीशन रिले भी सही है, कंप्रेसर भी ठीक है, कंप्रेसर मोटर भी ठीक है,
भी उसे स्टार्ट नहीं देना, यानी स्टार्ट दे के फिर बंद हो जाना, थोड़ी देर चलना फिर बंद, थोड़ी देर चलना फिर बंद, थोड़ी देर चलना फिर बंद हो जाना। जब ज्यादा देर नहीं चलेगा तो ऊपर वाले खाने में फ्रीजिंग ज्यादा नहीं होगी, बर्फ नहीं बनेगी, नीचे वाले खाने में चीजें खराब हो जाएंगी। अगर डबल डबल डोर फ्रिज की बात करेंगे, दो फॉल्ट ही हो गए जो कि रिले के अपने फॉल्ट नहीं है, ना ही कंप्रेसर की मोटर का फॉल्ट है। अब हम रिले के ऊपर आते हैं, रिले के क्या फॉल्ट हो सकते हैं। फर्ज करें ये कॉइल है इसका, ये कॉइल जल गया है, हीट अप हो गया है, इसका रंग चेंज हो गया है, इसका अनामल जो है वो टूटना शुरू हो गया है या उसका कलर चेंज हो गया है। तो अब इसमें जब हम सप्लाई देंगे वोल्टेज पूरे हमारे पास 220, 230 या 240 बड़े अच्छे वोल्टेज हैं, इन वोल्टेज पर हम देते हैं तो यहाँ मकनातीसी कुवत इसलिए पैदा नहीं होगी कि ये कॉइल जल गया, प्लंजर ऊपर नहीं जाएगा, स्प्रिंग ऊपर नहीं जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी ऊपर नहीं जाएगी, सिर्फ अकेली रनिंग वाइंडिंग जोर लगाएगी। और अकेली रनिंग वाइंडिंग जो है जब जोर लगाएगी अंपेयर बढ़ जाएंगे, अंपेयर बढ़ने को ओवरलोड ट्रिप फट जाएगी, तो कंप्रेसर की मोटर स्टार्ट नहीं होगी। अगर ये अमल बार बार होता रहेगा तो कंप्रेसर की मोटर भी खराब हो जाएगी, उसकी रनिंग वाइंडिंग भी खराब हो जाएगी। ओके, जिस रनिंग वाइंडिंग ने 1.4 अंपेयर लेने थे वो 2.6 अंपेयर ले रही है या 3 अंपेयर ले रही है, 2.8 अंपेयर ले रही है, तो अंपेयर ज्यादा हो जाएंगे। क्या ना उससे बार बार होने से क्या होगा, कंप्रेसर की मोटर खराब होने का खतरा है। अगर वक्त पे इस बात का पता लग जाए कि खराब हो गया तो रिले चेंज कर दें। हम तो ऐसा भी करते रहे हैं कि इस कॉइल को उतारा, इसके चक्कर गिने, इसकी मोटाई ली, नई नई तार डाल दी, तभी रिले काम करती है। लेकिन इतना महंगी चीज नहीं है इसलिए हम इतनी ज्यादा सरकपाई नहीं करते, नई रिले काम लगा देते। खत्म। अगली बात बात अब हम कहते हैं कि फ्रिज को ना बंद ना रखा करें, तो ये रेफ्रिजरेटर 4-5-6-7-10-15-20 साल बंद पड़ेगी, नई फ्रिज बंद पड़ेगी। अब उसको स्टार्ट देते स्टार्ट नहीं देते, वजह क्या कि प्लंजर पड़ा पड़ा नीचे जाम हो गया, यहां मतलब किसी को पैदा हुई और कंप्रेसर की मोटर भी सही है, मकर किसी को पता होने के बाद जो प्रंज ऊपर नहीं गया, जब प्रंज ऊपर नहीं जाएगा स्प्रिंग ऊपर नहीं जाएगा पथरी ऊपर नहीं जाएगी, फिर रनिंग वाइंडिंग केली रनिंग वाइंडिंग में करंट गुजरेगा, तो रनिंग वाइंडिंग जो है जब उसमें केली में करंट गुजरेगा तो स्टार्टिंग में नहीं जाएगा, केली रनिंग वाइंडिंग को जोर लगाना पड़ेगा। ये अल्फाज किताबों में नहीं लिखे हुए इसकी बात मैं कर, इसको जोर लगाना पड़ेगा केली को, उसकी वजह से एम्पेयर बढ़ जाएंगे, उसकी वजह से एम्पेयर बढ़ जाएंगे। जैसे देखिए एक चारा कुतने वाला टोका है, उसमें चारा डाले ना तो मोटे केरी चारे उसके अंपेयर कम होंगे, जब चारा डालेंगे जोर लगेगा अंपेयर बढ़ जाएंगे। इसी तरीके से यहाँ पर जब इस रनिंग मारनी को जोर लगाना पड़ेगा अंपेयर फिर बढ़ जाएंगे, ये दूसरा फॉल्ट हो गया इसका। तीसरा फॉल्ट यह है कि इसके इलेक्ट्रिकल प्लांट जो है इन पर कार्बन गंदगी आ गई है, कार्बन में से करंट गुजरता नहीं है। अब जब सप्लाई दी जो ये वाइंडिंग है इसमें करंट जो है वो पास हुआ, मकनातीसी को पैदा हुई, प्लंजर ऊपर गया, स्प्रिंग ऊपर गया, स्टिक ऊपर गई, इलेक्ट्रिकल पार्ट से जुड़ी जाकर, जुड़ने के बावजूद क्योंकि जो कार्बन है वो करंट को आगे पास को नहीं होने दे रहा, उसके बाद फिर अकेली वाइंडिंग रनिंग वाइंडिंग में करंट गुजरेगी, केली वर्निंग वर्निंग में जोर लगाएगी, एम्पेयर बढ़ेंगे, फिर ओवर ट्रिप कर जाएगी, ये तीसरा फॉल्ट हो गया। तो ये इस तरीके से फॉल्ट हो गया। उसके अलावा जो है यानी ये वोल्टेज की वजह से भी ये काम नहीं करेगी, नंबर एक। नंबर दो, वोल्टेज ज्यादा हो जाए काम हो तब भी, और कॉइल खराब हो जाए तब भी, प्लंजर जाम हो जाए तब भी, इलेक्ट्रिक पार्ट्स पर स्ट्रिप आ जाए, कार्बन आ जाता भी, और अगर ये कॉइल जाकर टूट गया है जो आमतौर पर बहुत कम होता है तब भी इसने नहीं काम करना। आगे चले, अब जो है रिले 100% सही है, वोल्टेज भी ठीक है, फिर कंप्रेसर की मोटर स्टार्ट नहीं ले रही। अब उसकी
एक वजह तो ये हो सकती है कि कंप्रेसर जो है वो काफी अरसे से बंद पड़ा हुआ जाम है, चल नहीं रहा। लेकिन उससे पहले हमने क्या काम करना है कि इसके तीनों पॉइंट जो हैं, रनिंग स्टार्टिंग और कॉमन को चेक करना है कि कॉमन और रनिंग जो है के दरमियान जो है, अगर हम सीधी लाइन पे चेक करते हैं रोशन होता है, रोशनी कम होती है। उसके बाद कॉमन और स्टार्टिंग साथ देखते हैं, रोशनी और कम होनी चाहिए, और स्टार्टिंग और उसके साथ देखते हैं, रनिंग के साथ देखते हैं, फिर भी रोशनी जो है वो बहुत कम है। तो ऐसी हाल में चला आप देखते हैं स्टार्टिंग लेता, फिर हम ऐसे करेंगे उसको अच्छी तरह झटके देंगे, 10-12 दफ़ा अच्छे झटके देंगे, थोड़ा भी लगा सकते हैं उसके जरिए, फिर कुछ आग देखें। अगर वो चल गया इसका मतलब है कुछ जाम था, तो चल गया। अब बाद दफा ये होता है कि स्टार्टिंग वाइंडिंग का अनामल कमजोर हो जाता है, स्टार्टिंग वाइंडिंग या रनिंग वाइंडिंग सही तरह मदद नहीं करती, ऐसी हालत में वहां पर हम स्टार्टिंग अस्टर लगा देते स्टार्टिंग अस्टर लगा देते अब स्टार्टिंग अस्टर जो है स्टार्टिंग वाइंडिंग की मदद करेगा, स्टार्टिंग वाइंडिंग की मदद करेगा, यहाँ मकड़ा जो है बहुत ज्यादा पैदा होगी, स्टार्टिंग वाइंडिंग रनिंग वाइंडिंग की बहुत ज्यादा मदद करेगी, जिससे कंप्रेसर की मोटर आसानी स्टार्ट करेगी। अब जो है अगर स्टार्टिंग प्रेशर लगा कर उसका काम चल गया है, स्टार्टिंग प्रेशर साथ लगा दें, कोई नुकसान नहीं है। स्टार्टिंग प्रेशर कोई महंगा महंगी चीज नहीं है, 150-200 रुपये की वो स्टार्टिंग प्रेशर आ जाता है, उसके साथ लगा दें। उससे ये होगा ये चल पड़ी, 2-3 दफा देखें स्टार्ट ले लिया उसने, ओके। अब यहाँ पर जो है ये मामला हुआ, तो बाद दफा कंप्रेसर का फॉल्ट होता है मोटर का, बाद दफा रिले का फॉल्ट होता है, बाद दफा वोल्टेज का फॉल्ट होता है। इसलिए जहां पर भी जाना है उसको चलाना है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल हैव टू चेक द वोल्टेज, आइदर द वोल्टेज आर प्रॉपर और नॉट, इफ देयर वोल्टेज आर नॉट प्रॉपर नॉट टू स्टार्ट। सबसे पहले वोल्टेज को ठीक करें जिसके ऊपर से चलना है, ये करंट ले के बारे में बात है, इसको ध्यान में रखिएगा। अब करंट ले जो है पहले ऐसी आती थी जिनके साथ कैपेसिटर नहीं लगाया जा सकता था, ऑप्शन नहीं थी, अब तो बड़ी आसानी हो गई है। करंट ले के ऊपर एक पतली लगी होती है जो स्टार्टिंग रनिंग को मिलाती है पॉइंट्स को, तो उसको उतार दें, जहाँ से मेन कॉइल शुरू हो रहा है कॉइल वहां पे मेन की तार देनी है, कैपेसिटर की तार दे देनी है, दूसरा सिरा जो खाली है वहां कैपेसिटर की तार दे देनी है, खत्म हो गई। इतना आसान काम हो गया है। तो अगर उस रिले के लिए स्टार्ट दें, इंस्टार्ट लेते तो उसके उसको पीछे से ऑफ करें, शुरू निकाल दें, उसके बाद रिले को उतारें, उसकी पतली उतार दें दोनों, और एक उसका स्टार्टिंग कैपेसिटर लगा दें। स्टार्टिंग कैपेसिटर की दो तारें होंगी, एक मेन के साथ लगानी है, एक दूसरे पॉइंट के साथ लगा दें। अगर वो कंप्रेसर मोटर स्टार्ट ले लेती है तो उसको लगा रहने दे। स्टार्टिंग कैपेसिटर लगाने का कोई नुकसान नहीं है, स्टार्टिंग कैपेसिटर कंप्रेसर को स्टार्ट देने में मदद देता है, और एनआरए लॉक रोटर एम्पीयर जिन्हें हम स्टार्टिंग एम्पीयर भी कहते हैं, अगर लॉक रोटर एम्पीयर जो है यानी स्टार्टिंग एम्पीयर वो 7 है, 6.5 या 6.5 है, जब उसको कैपेसिटर लगा देगा तो 3 एम्पीयर से वापस आ जाएगी, कैपेसिटर को चलाने में आसानी हो जाएगी। तो स्टार्टिंग कैपेसिटर लगाने में कोई नुकसान नहीं है, तो इस तरीके से स्टार्ट भी आसानी से ले जाएगा, बिजली का बिल भी थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो ये इसका मामला है, इसके साथ हम एक स्टार्टिंग कैपेसिटर जो है वो लगा सकते हैं। वैसे तो जिनके साथ नहीं भी लगते हैं स्टार्टिंग कैपेसिटर, ठीक है, उनका भी हम हमारे पास इलाज है। हम एक तरफ उसको लगा के जहाँ तार स्टार्ट जहाँ उसका ऐसे रेल जो लगती है उसका जो स्टार्टिंग वाला हिस्सा है उसको स्टार्टिंग कैपेसिटर को दे के आगे जाकर लगा लेते हैं, आगे इलेक्ट्रिक स्ट्रिप लगा लेते हैं, ले को ज़्यादा लगा लेते हैं। मेरे उस्ताद मुहतरम इस तरीके से करके लगा लेते थे कि उन दिनों में ऑप्शन ही नहीं थी, अब तो दिन ब दिन आसानियाँ पैदा होती जा रही हैं, तो बहुत आसानियाँ हो गई हैं। उस वक्त कंप्रेसर हाथों से काटते थे आरियों के जरिए, अब तो बस ले जाए कार्ड के ठीक करके आपका वादा कर देते हैं, आपका तो काम ही बहुत कम हो गया है। बात सिर्फ गौर करना, समझना है, इस तरीके से जो है
आप एक लेग लिया स्टार्ट देते हैं, कंप्रेसर नहीं स्टार्ट देता, जस्ट स्टार्ट दे रहे हैं, स्टार्ट ले रहा है, इसका मतलब खराबी तो रिले के अंदर भी रिजेक्ट है। ये बिल्कुल इन टच बातें हैं, बिल्कुल यानी अहम बातें हैं जो हमारे काम के अंदर हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा, आज हमने पढ़ी है करंट या अम्पेयर रिले, तो इसको जो पढ़े लिखे हमारे टेक्नीशियन भाई ने इसको क्वाइट रिले कर देते हैं, क्योंकि उस पर क्वाइट होता है, क्वाइट रिले कर देते हैं, तो करंट या अम्पेयर रिले कहते नहीं, असल इसका नाम है करंट या अम्पेयर रिले, क्योंकि करंट की यूनिट जो अम्पेयर है, इसलिए अम्पेयर रिले भी कह सकते हैं, करंट रिले भी कह सकते हैं। और आम रूटीन में हम दुकानदारों से बात करते हैं तो क्वाइट रिले कर देते हैं, बड़े क्वाइट रिले देते हैं उसमें दुकानदार। अब दुकानदार जो पढ़ा लिखा है या इसको समझता है उसको पता है, इसको करंट रिले भी कहते हैं, अम्पेयर रिले भी कहते हैं, और जो पढ़े लिखे नहीं है या कम पढ़े लिखे हैं गौर नहीं करते हो उसको क्वाइट रिले कर देते हैं। ये पूरी दुनिया के तकरीबन तमाम ममालिक ने इसको बनाया है, इंडिया ही बना रहा है, पाकिस्तान ही बना रहा है, अमेरिका ही बनाता है, फ्रांस भी, जर्मनी भी, इंग्लैंड भी, कोरिया भी, चाइना भी, सब बना। अब अगली हमारी होगी पीटीसी।